जनता आई, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, जिस तरह से लोग हमारे समर्थन में इतनी चिलचिलाती धूप में भी आए, इतनी गर्मी में भी वो बैठे रहे। हम मानते हैं कि हम उनके कर्जदार हैं और मन बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। पहली बार एक बेटी समस्तीपुर की जनता से आशीर्वाद मांग रही है। ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने जिनको भारत रत्न देने का काम किया। जाते हैं कैंपेन में, जनसंपर्क में, तो सब हमें कहते हैं कि बहुत आते हैं फिर चले जाते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि अरे चाचा, हर बार आप बेटा को जिताते हैं, एक बार आप बेटी को जिता के देखिए, बेटी कभी दिल नहीं दुखाती है। पूरा समस्तीपुर हम घूम लिए 15 दिन में, कोई विरोधी ही नहीं है, कोई विरोधी नहीं, कोई विरोधी नहीं है। हम लोग का अंतर क्या लग रहा है, 4 लाख पार का नारा के साथ चल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। एनडीए प्रत्याशी के रूप में शांभवी चौधरी ने नामांकन किया है। इस दौरान काफी उत्साह देखने को मिला है। एनडीए प्रत्याशी हैं शांभवी चौधरी और काफी खुश लग रही है, काफी खुश लग रही है। तो नॉमिनेशन भी हो गया जी, नॉमिनेशन हो गया और हमारा सभा भी अब समाप्त हो चुका है। जिस तरह से जनता आई, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, जिस तरह से लोग हमारे समर्थन में इतनी चिलचिलाती धूप में भी आए, इतनी गर्मी में भी वो बैठे रहे, हम मानते हैं कि हम उनके कर्जदार हैं और मन बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। सबसे कम उम्र की प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किया है। जी जी जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये क्या कहेंगे सर, किस तारीख में जाएगा दोनों आदमी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है आप? तो तमाम नेता आए हुए थे। हम माहौल अच्छा है और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। अभी तक तो बेटों को समस्तीपुर ने आशीर्वाद देने का काम किया है। पहली बार एक बेटी समस्तीपुर की जनता से आशीर्वाद मांग रही है। ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने जिनको भारत रत्न देने का काम किया है। समाजवादियों की धरती है ये। इस धरती से समाजवाद का और एक लंबा इतिहास रहा है और ये मिथिला की धरती माता सीता का प्रवेश द्वार है। तो यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के लोग, यहाँ पे शंकराचार्य को मंडन मिश्रा ने इसी मिथिला में शास्त्रार्थ से उनको रोकने का काम किया था। शंकराचार्य को भी मजबूत दावेदारी उनके सामने पेश की। आज बेटी ने नामांकन किया है, कैसा लग रहा है एक पिता के तौर पर? अभी इसका भाषण हो रहा था तो लग रहा था कि अब हम कब, आज अभी रो देंगे, कभी रो देंगे, अभी रो देंगे कि कभी रो देंगे। जब हमने जब इसका मैं भाषण सुना कि अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो इतना अच्छा भाषण दे रही है, तो मैं समझता है समस्तीपुर की जनता को एक अच्छा प्रतिनिधि मिलेगा और आने वाले समय, अभी तो इसकी उम्र बहुत कम है। बेटी और महिला वाला जो भाषण था कि महिला किसी से कमजोर नहीं है, लड़की किसी से कमजोर नहीं है, वो वाला नहीं, हमारे हम तो ये मानते हैं कि बेटी जो होते हैं, बेटी जो होती है वो प्यारी भी होती है और उससे ध्यान भी रखती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना प्यार अपना नहीं देगी बेटी, नहीं, जितना पिता को प्यार करती है उसी तरह से समस्तीपुर को भी ये प्यार करे आने वाले समय में। क्या आपने कहा था कि बेटी नाराज नहीं करती है अपने, बिल्कुल भी यहाँ पर रहेंगे या फिर बाहर चले जाएंगे? हम नहीं, नहीं, हम यही रहेंगे भैया। और हम लोग हमसे प्रश्न उठाते हैं हम पर कि हम ये जीत के चले जाएंगे, जीते चले जाएंगे, तो हम उनसे वापस पूछते हैं कि आपके कितने सांसद का घर समस्तीपुर में था? हमारा घर समस्तीपुर में है। तो ये जो एक होता है ना कि चुनाव से पहले कैसे इतने लोग होते हैं जो अपना घर ले लेते हैं और वहाँ पे इस्टैब्लिश हो जाते हैं, हम इस्टैब्लिश हुए। तो ये जो जनता के मन में पहला 1% का डाउट था कि नहीं, हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो चली जाएंगी, तो हम उनका वो डाउट भी अब क्लियर कर दिए। चिराग पासवान ने कहा बहन को जिताइए। जी बिल्कुल, उन्होंने हमेशा अपने जीवन में हमें एक छोटी बहन का दर्जा दिया है और उसी तरह का आदर और सम्मान वो हमें देते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हमें लगता है कि अपने आसपास जितनी भी उनकी महिलाएं हैं या फिर जितनी भी उनकी बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबको वो उतना ही आदर और उतना ही सम्मान देते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये सबको सीखना चाहिए। बड़ी भीड़ आई हुई थी, क्या कहेंगे? हम तो बोल ही रहे कि हम इतनी गर्मी में, भीड़ तो आ ही जाती है, भीड़ जुटी जाती है, पर इतनी गर्मी में जब मौसम नकारात्मक है और उसके बावजूद इतने सारे लोग हमारे समर्थन के लिए, युवा प्रत्याशी के लिए, महिला प्रत्याशी के लिए आए, हम मानते हैं कि हम हर कार्यकर्ता के अब कर्जदार हो चुके हैं। बेटी वाली लाइन दोहरा दीजिए एक बार। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं कैंपेन में, जनसंपर्क में, तो सब हमें कहते हैं कि बहुत आते हैं फिर चले जाते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि अरे चाचा, हर बार आप बेटा को जिताते हैं, एक बार आप बेटी को जिता के देखिए, बेटी कभी दिल नहीं दुखाती है। आपके जो है, आप ही के पार्टी के जो है एक मंत्री जी के जो है बेटा आपके प्रतिद्वंदी होने वाला है, कैसे देखेंगे दोनों एक ही पार्टी? औपचारिक ऐलान हो गया क्या? नहीं, होने वाला है ना ऐसा, ऐसा कोई ऐलान नहीं। जब ऐलान होगा तब देखेंगे, कोई भी आएगा। अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं, मैदान में उतर गए तो लड़ेंगे, कोई भी आएगा लड़ेंगे। क्यों नहीं आया, क्या लगता है इसको? 2 दिन हो चुके हैं नामांकन के, अभी कोई प्रत्याशी ऐलान क्यों नहीं हुआ, क्या लग रहा है?
तो ये तो उनकी कमजोरी बताता है, इसमें हम क्या बोलेंगे? तो आप उनसे पूछेंगे आपका कहाँ है भाई, विपक्षी दल के नेता सब कहाँ है, कुछ दिख ही नहीं रहे, कहीं नहीं दिख रहा है। पूरा समस्तीपुर हम घूम लिए 15 दिन में, कोई विरोधी ही नहीं है, कोई विरोधी नहीं, कोई विरोधी नहीं है। हम तो वेट कर रहे हैं कि विरोधी आए तो थोड़ा मजा पहलवान सामने में आए, पहलवान ही हम इंतजार करें कि कोई सामने आए। तो अभी क्या है ना, एक तरफा है, हम अपना प्रचार और ये कर रहे हैं, कोई सामने से आए तो खेल में मजा भी आएगा, जीत तो हमारी तय है, बस एक है कि चले एक खेल है, खेल मोदी जी के नाम पर भरोसा मिलेगा। बिल्कुल, मोदी जी के नाम पे नहीं, मोदी जी के नेतृत्व पे लोगों को विश्वास है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे लोगों को विकास है, चिराग पासवान भैया के नेतृत्व पे लोगों को विश्वास है, और उसी विश्वास को लेके हम आगे बढ़ेंगे। रोजगार के मुद्दे पर किस तरीके से काफी अलग अलग माहौल दिखाई दे रहा है, रोजगार के साथ स्वरोजगार, और हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सांभवी चौधरी का आज नामांकन हुआ है, नामांकन में आशीर्वाद सभा हुई है, आशीर्वाद सभा में देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों लोग आए थे, नामांकन किया गया है समारोह, सांभवी चौधरी और अशोक चौधरी ने कई बातें कही हैं। अमन हजारी जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, आपका तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र भी इसी में आता है, तो अच्छा से जीतेंगे हम लोग, पूरा साथ मिलेगा लोगों का, पूरे पूरे सब हम लोग एक साथ हैं, एक जुट है, कोई टक्कर में नहीं है, और हम लोग जीतेंगे। कोई पहलवान सामने में नहीं आया? पहलवान आएगा तो देख लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, जीत निश्चित है। हाँ, जीत निश्चित है, नीतीश कुमार और मोदी एकजुट है तो। हाँ, हम लोग सभी NDA गठबंधन में सब लोग एक साथ हैं और पक्का निश्चित जीत होगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, आप कभी आइए मेरे विधानसभा। गए थे आपके चुनाव के समय? मेरे चुनाव के समय गए थे तो आप देखबे किए थे कि मेरा क्या है वहाँ, इसी तरह इनका भी है सारा चीज़। तो आपने देखा है किस तरीके से अमन हजारी से हमने बातचीत की है, अमन हजारी ने भी साफ साफ दावा किया है कि जीत निश्चित है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, एक राउंड हम लोग सारे विधानसभा कवर कर लिए हैं, ब्लॉक कुछ छूटे हुए हैं तो उनको अब सेकेंड राउंड में हम लोग जो है सारा जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी चल रही है, जो लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं, अब सेकंड राउंड की शुरुआत कल से होगी। सर, प्रत्याशी सामने में नहीं आया है, इसका तो काफ़ी फायदा मिल रहा है, आप लोग घूम रहे हैं, सामने वाला तो कोई है, उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, कोई प्रत्याशी रहे, मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, 5 पांडव साथ में चुनाव लड़ रहे हैं NDA की तरफ से, सामने कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कैसा माहौल था आज? तो नामांकन हुआ है, लोग इतने हज़ारों लोग पहुँचे थे। जी, बहुत अच्छा लगा, खाने की भी व्यवस्था थी, सब लोग जो बैठ रहे थे, फिर कुछ लोग खाना खा रहे थे, फिर बैठ रहे थे, तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही शानदार आज का जनसभा रहा, जनसभा में लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया सांभवी जी को, तो अच्छा रहा पूरा ओवरऑल। सांभवी ने एक बात कही कि बेटी है धोखा नहीं देगी, अक्सर घरों में देखा जाता है ना कि जैसे बेटों में कुछ संपत्ति को लेकर कभी विवाद हो जाता है, लेकिन जो बेटी होती है वो हमेशा माँ की सेवा करती है, तो समस्तीपुर की जनता को यही पैगाम उन्होंने दिया। बेटी पर समस्तीपुर की जनता भरोसा जताएगी, क्या उम्मीद है? मिथिला का कल्चर ही ऐसा रहा है कि बेटियों पर ज़्यादा विश्वास रहा है यहाँ के लोगों को, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ज़रूर होगा। 15 दिनों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या मैसेज मिल रहा है, क्या लोग कह रहे हैं? एक बात जो मैंने ऑब्जर्व किया कि मोदी जी सब जगह लोकप्रिय हैं, क्योंकि जो उनकी जो योजनाएं हैं, जो मुफ्त राशन की योजना हो, उसके अलावा जो गैस उन्होंने वो जो गैस लोगों को दिया है, इसके अलावा जो कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाया है, युवाओं में भी काफ़ी प्रेम है उनके प्रति, और मेरा मानना है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समस्तीपुर की जनता अपना पूरा आशीर्वाद सांभवी को देगी। कितना लाख हम लोग का अंतर क्या लग रहा है? 4 लाख पार का नारा के साथ चल रहे हैं। 4 लाख, धन्यवाद। तो आपने देखा कि सायम कुणाल जी थे, और साथ ही साथ सांभवी से हमने बातचीत की, अशोक चौधरी से बातचीत की है एक्सक्लूसिव, तो उन्होंने साफ साफ कहा इस मोदी जी के विश्वास पर जनता का भरोसा है और जनता उन पर विश्वास करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा चिराग पासवान के साथ भी जनता है, और चिराग आशीर्वाद सभा आयोजित की गई थी, आपने देखा है किस तरीके से हजारों लोग पहुंचे हुए थे, इस दौरान सांभवी ने बड़ी बड़ी बातें कह दी थी, साथ ही साथ अशोक चौधरी ने भी कहा कि ऐसा भाषण दे रही है कि रोने जैसे की स्थिति हो गई, हम रोज आते। तो वही रही लाइफ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।